राज्य सचिवालय और विधानसभा को प्लास्टिक मुक्त बनाने का मुख्यमंत्री धामी ने दिया आदेश। प्रदेश के सभी शहरों में स्वच्छता अभियान चलाने के भी दिए निर्देश। चार धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का निर्णय। धामी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का लिया फैसला। नेपाल ने भारत को एक बार फिर से दिखाई आंख। खटीमा बॉर्डर पर तारबाड़ और पौधारोपण के काम को रोका। नेपाली नागरिकों के विरोध के चलते 3 दिन से ठप है काम। ऑनलाइन पंजीकरण बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर गंगोत्री हाईवे रूट पर व्यापारियों ने लगाया जाम। बैरियरों पर यात्रियों को रोके जाने का किया विरोध। यूपी दिल्ली सहित मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के कारण उत्तराखंड में भारी संख्या में उमड़े पर्यटक। मसूरी ऋषिकेश नैनीताल पर्यटकों से हुआ पैक। हल्द्वानी शहर के बदलाव का खाका खींचने के लिए अफसरों की शुरू हुई गई दौड़। इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर के विकास को मिली है की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया खबर। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है जहां पर एसटीएफ व डॉक्स विभाग की छापेमारी। छापेमारी में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली दवाइयों के साथ लेवल बनाने की मशीन पकड़ी गई। एसटीएफ ड्रग्स विभाग व लक्सर पुलिस को भी शामिल। एसटीएफ ड्रग्स विभाग व लक्सर टीम पुलिस भी शामिल। लक्सर में एसटीएफ व ड्रग्स विभाग ने की छापेमारी। छापेमारी में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। नकली दवाइयों के साथ लेवल बनाने की मशीन पकड़ी। हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, एसटीएफ ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की है। बिल्कुल रूपांशी, देखिए देहरादून एसटीएफ की टीम ने जो है ड्रग्स विभाग और कोतवाली यानी कि जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ में मिलकर के कई टीमें ऐसी गठित की गई है जिनके साथ में जो नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री है एक जगह नहीं बल्कि लक्सर, भगवानपुर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर यानी कि 3 जगह ऐसी है कि जहां पर जो एसटीएफ की टीम है उनके द्वारा छापेमारी की गई है और साथ में नकली दवाई बनाने के रेफर जो नामचीन कंपनियां हैं नकली दवाई बनाने के रेफर तक उनको भी मिले, मशीनें मिली है। और हालांकि जो गिरफ्त में जो है कोई भी जो है अपराधी नहीं उनकी आया है। हालांकि जो है ड्रग्स विभाग और एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है क्योंकि लक्सर में भी जो है एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और साथ में जो नकली दवाई बनाने की जो मशीन है वो सील की है रैपर और साथ में कुछ दवाई भी मिली है जो ड्रग्स विभाग से जो अनीता भारतीय इंस्पेक्टर हैं वो अपने साथ सैंपल के तौर पर ले गई हैं यानी कि साथ में जो फैक्ट्री है उनको भी सील किया गया। ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में भी जो है एसटीएफ की कार्रवाई की गई। पहले पंजाब में जो है इसकी जो एक शिकायत थी पंजाब पुलिस। ठीक है राम गोपाल, आपका धन्यवाद। तो नकली दवाइयों के साथ फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ ड्रग्स विभाग व लक्सर पुलिस भी इसमें शामिल है। खबर पिथौरागढ़ से है जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीडी हाट में नगर पालिका परिषद के द्वारा वृहद कार्यक्रम किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडी हाट में वृहद वृद्धा पौधारोपण अभियान चलाने के साथ कूड़ादान वितरण भी किया गया। इस अभियान में वन विभाग, पुलिस और विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे की अपील करते हुए कहा कि पौधा भी संरक्षण करने की अपील है। विश्व पर्यावरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी लोग विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं और आज के दिन ने हमने एक वृद्ध कार्यक्रम रखा और उसमें हमने डस्टबिन भी वितरित किया हमारी जनता को ताकि उसमें जनता गीला और सूखा कूड़ा एकत्रित करके
सफाई व्यवस्था को सुचारू कर सके। और हमने वृद्ध रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के हमारे डीडीहाट की जनता के साथ मिलके और आगे भी हमने लोगों से निवेदन किया कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, पौधों को संरक्षित करने में और अपने नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से भारी बहुमत के साथ विजयी श्री रहे, तो वहीं दूसरी ओर जिले में भाजपा से अधिकृत जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सदस्यों के साथ अन्य 10 और सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पत्र सौंप कर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत में आप देख लीजिए कि ये यहाँ यात्रा जो केदारनाथ बाबा है यहाँ का एक मूल वो है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वह यहाँ पे जिला पंचायत के द्वारा जो पेपरों में चल रहा है, आपके जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वहाँ पर बिस्तर डाले गए हैं, यात्रियों से अनावश्यक पैसा लूटा जा रहा है, गद्दी के नाम पे जो है उगाही हो रही है और वहाँ पे जो दुकानें हैं उन पे भी इस प्रकार से अपनी मनमानी चल रही है। सदन में इस बात का कोई पता नहीं। देख, लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में सबसे पहले ये होता है कि भाई किसी भी बात को जो सदन में रखा जाता है और सदन में उस पर जो है प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद वो जो है लोक वो बात जो है आगे कार्य रूप में परिणित होती है। सदस्यों की अनुमति के द्वारा यह निर्णय आज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से सदस्य लोग सहमत नहीं हैं, जिसके कारण हमें आज यह कदम उठाना पड़ रहा है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो जल्द से जल्द यह कार्यवाही शुरू करें। हम अध्यक्ष के कार्य से असंतुष्ट हैं। मेरे क्षेत्र में यात्रा चलती है, लेकिन मेरे को कुछ भी वहाँ का पता नहीं है। वहाँ का टेंडर किसको गया, सोनप्रयाग का, वहाँ की गद्दी, वहाँ के जो भी कार्य है मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सदन के शायद सभी सदस्य असंतुष्ट हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरों में बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सन में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब पुलिस लगातार हथियारों की तलाश में जुटी है। पुलिस हत्या से जुटी कार्रवाइयों को जोरदार हथियारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जोरदार हथियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक और चाहने वाले जल्द से जल्द हत्यारूपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च सोसाइटी रोड होते हुए ओवर ब्रिज के नीचे से बालावाली तिराहा कस्बा लक्सर पहुंचकर सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में नारेबाजी की। बाद में बालावाली चौराहे पर कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। हमेशा सच बोलता रहा, ता करके जिहड़ा हाईलाइट उही हुंदा बंदा जिहड़ा सच बोलता आ। सरकारां उहनूं जोन नहीं दिंदियां। पहला बई दीप सिद्धू मरिया, ठीक है, हुण सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किन्ने पुत होर ऐवें शहीद होणगे जे आपां अज वी इकट्ठे ना होए। लक्सन में कई ट्रेनों के रद्द होने से हरिद्वार में यात्री हो रहे हैं परेशान। पांचवें दिन भी हरिद्वार में यात्री हो रहे परेशान। रेल पुलों के मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते चलते हरिद्वार आने और यहां से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं।
सहारनपुर मुरादाबाद लाइन पर नौशंदी एक्सप्रेस और सहारनपुर मुरादाबाद पैसेंजर सहित 10 ट्रेनें 1 से 5 जून और तक कैंसिल हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से सरकार ने लिए परेशानी का सबब बन रही है सरकार के लिए, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजर रहे हैं वैसे ही वैसे चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु और घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के दौरान सिर्फ केदारनाथ धाम में ही 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 49 वहीं बेजुबान 110 घोड़े खच्चरों ने अपनी जान बचाई। साथ ही प्रशासन की तरफ से चेकिंग के दौरान 190 जानवर बीमार पाए गए जिनको यात्रा से रोक दिया गया। सरकार के सामने अब तक नई चुनौती है, क्योंकि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चरों की मौत के बाद पंजीकरण स्लॉट फुल होने के चलते श्रद्धालुओं को रोकने के बाद गंगोत्री के व्यापारियों ने 5 जून को गंगोत्री हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। देखिए यह रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 3 जुलाई को विधि विधान के साथ शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख किया, लेकिन जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजरते गए वैसे वैसे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की भीड़ शासन और प्रशासन के सामने चुनौती बन गई, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार श्रद्धालुओं के साथ साथ घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में ही अब तक 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि बढ़ते मौतों के आंकड़ों को अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं के बॉडी चेकअप के बाद ही यात्रा में भेजा जा रहा है। साथ ही घोड़े खच्चरों की मौतों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने गौरी कुंड से केदार घाटी के बीच चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान 24 संचालकों का चालान किया जा चुका है। वहीं अब सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी है, क्योंकि गंगोत्री व्यापार मंडल की तरफ से श्रद्धालुओं को रोके जाने और पंजीकरण बंद करने की मांग को लेकर 5 जून को गंगोत्री हाईवे बंद करने का आह्वान किया गया। उनका आरोप है कि यात्रा का पंजीकरण रुकने से व्यापार पर भारी फर्क पड़ा है, क्योंकि यात्रियों को पंजीकरण ना करने के नाम पर नीचे ही रोका जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों के मंत्रियों को चार धाम यात्रा में विशेष ध्यान रखने को कहा है। जिला उद्योग व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन जो है सोनप्रयाग व्यापार मंडल को है, क्योंकि देखिए यात्रियों को जो है आप क्या बोलते हैं केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं, और उन्हें पंजीकरण के नाम पे जो है उनको आप वापस लौटा दे रहे हैं। यात्री जो है वापस ऋषिकेश की तरफ लौट जा रहा है, उन्हें रुद्रप्रयाग बाजार तक भी नहीं भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग बाजार के सारे होटल भी खाली हो जा रहे हैं। मैं जो हूँ सोनप्रयाग व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करता हूँ, और अगर प्रशासन ने और उनकी मांगों को नहीं माना तो मैं आज स्वयं सोनप्रयाग जाकर उनको समर्थन दूंगा और उनके साथ खड़ा रहूँगा।
चार धाम यात्रा की लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय युवा मुख्यमंत्री बहुत बारीक निगाह उसके ऊपर बनाए हुए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, डीएम जिलाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जिस चीज़ की भी कहीं कमी दिख रही है उसको फुलफिल करने के लिए तमाम अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया है। मुझे लगता है कि हालात अब पहले से बेहतर हैं, आगे की तरफ हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त रहेंगी और यात्रा इसी तरह से ऐतिहासिक रूप में आगे बढ़ती चलेगी। जो कमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए माननीय मंत्री पर्यटन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब मिलजुल कर जो कोशिश कर रहे हैं उसका लाभ इस यात्रा को अवश्य मिले। कांग्रेस लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारियों के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू की है, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। मेरे अध्यक्ष ने चार धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहाँ आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहाँ पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहाँ पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहाँ शौचालय की जरूरत है, वहाँ पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहाँ पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेज को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था, ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। अब चारधाम यात्रा में बढ़ते मौतों के आंकड़ों पर सरकार अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। विभागीय मंत्री के द्वारा अधिकारियों संग बैठक कर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि कब तक सरकार इन हालातों पर काबू पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे देहरादून, वहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देश को और दुनिया को एक संदेश देने का काम भी यहाँ से होगा। चार धाम में लगातार व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये यात्रा ठीक प्रकार से चले, आने वाले लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, उसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने ज्वाइंट सभी विभाग जो भी यात्रा से संबंधित है उन सभी को कहा है कि हफ्ते में दो बार लगातार लोगों को जानकारी देने का भी काम करें और प्रत्येक दिन रोज समीक्षा का काम करें। उस दिशा में काम हो रहा है जिससे कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। नहीं, इस बार चूंकि यात्रा दो सालों बाद शुरू हुई है और यात्रा में यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले, इसलिए हमने सबसे अनुरोध भी किया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक यात्रा न करें, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था हो जाए, आपका स्वास्थ्य का भी जो हेल्थ का सर्टिफिकेट है वह भी आपके पास ठीक हो तभी यात्रा करें, क्योंकि अन्यथा हमारे ज़्यादा हाइटी पर स्थान है सारे हमारे देवस्थान, और आपकी सुरक्षा हमारे लिए, आने वाले लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। खबर सितारगंज से है, जहां पर नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक ने बाइक सवार का रास्ता रोककर चाकू से ताबड़तोड़ 12 बार लुहान कर दिया। राहगीरों ने बाइक सवार को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। घायल ने आरोपी पर स्मैक बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंडरी गांव निवासी मोहम्मद साजिद मलिक पुत्र वाजिद की पीलीभीत रोड में जनता फार्म के पास टायर की दुकान है। शनिवार को साजिद बाइक में सवार होकर घर की तरफ आ रहे थे।
पंडरी स्कूल के पास घात लगाए बैठे युवक ने उनकी बाइक को रोककर चाकू से साजिद कर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण साजिद घबरा गया, बाइक से गिर गया। उनके चिल्लाने पर सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने हमलावर से साजिद को बचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल साजिद का मेडिकल कराया। इसके बाद आरोपित युवक की को हिरासत में ले लिया। नाम है, उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष है, पंडरी निवासी है, जिनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है। हमला धारदार हथियारों से किया गया है और जो चोटें हैं वो मुख्यतः पेट पे आई हैं, अन्य भागों पर भी आई हैं। हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर संदर्भित कर दिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में कुछ दबंगों ने एक पत्रकार पर उनके घर आकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बीच बचाव कराने आई पत्रकार की सास और साला नीरज भी घायल हो गए। इतना ही नहीं, दबंगों ने मकान में तोड़फोड़ भी की, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। और अब उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, हादसे में गई 22 लोगों की मौत। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, एसपी अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उत्तरकाशी में एक भीषण हादसा। हादसे में गई 22 लोगों की मौत हो गई। 22 लोगों की हादसे में जान चली गई। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी। बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। एसपी अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उत्तरकाशी में एक भीषण सड़क हादसा, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। हादसे में 22 लोगों की जान। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। एसपी अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, हादसे में गई 22 लोगों की जान चली गई। बस खाई में गिरी, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी। यमुनोत्री हाईवे पर ये हादसा हुआ। देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, ये दुखद एक घटना है जो अभी हुई है और इसकी जो सूचना है कि लगभग जो है इसमें 20 से 22 लोग बताए जा रहे हैं कि जिनकी मौत जो है वो हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल भी है। ये यमुनोत्री जो है ये जा रही थी और बड़ी दुखद घटना जो है ये सामने आई है। अभी इसमें अभी जांच चल रही है, अभी रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और मौके पर जो तमाम चीजें हैं उस पर जो है छानबीन की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि जो यात्री जो है फंसे हुए हैं, जो गहरी खाई में जाकर के ये बस गिरी है, तो वहां पर जो है पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। बस यमुना नदी
में जाकर जो है वो गिर चुकी है और बस के दो हिस्से जो है वो हो चुके हैं। अभी बहरहाल जो है कुछ चीजें जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है, अभी कितने लोग और इसमें लोगों की मौत हो सकती है ये फिलहाल अभी और जो है पुख्ता हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल जो है ये बड़ा घटना जो है वो कहीं ना कहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे जो है वो देखने को मिली है। राजेश जी, बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, बाकी के जो लोग हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है और ड्राइवर की हालत कैसी है उसमें? देखिए ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे 507 के डमटा के पास जो है ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और अभी इसमें कितने लोग जो है बचाव राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। स्थानीय पुलिस जो है वहां पहुंची हुई है, SDRF की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और लगातार जो है रेस्क्यू कार्य जो है वो चल रहा है और अभी और थोड़ी देर बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा आखिरकार इसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की फिलहाल जो है इसमें कैजुअल्टी हुई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार चल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं खासतौर से जो गाँव के आसपास के जो लोग हैं वो भी इस जो है दुर्घटना जो हुई है उसमें जो है लगातार पुलिस प्रशासन का जो है वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो है ये एक बड़ी और बेहद दुखद जो घटना है वो देखने को मिली है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो उत्तरकाशी में स्थित है और वहां पर जो है जो दमता के पास जो है ये बस जो है गहरी खाई में जाकर के गिरी है और काफी लोग जो है इसमें अभी घायल है और कई लोगों की कैजुअल्टी जो है वो हो चुकी है। राजेश जी, जिन 22 लोगों की मौत हो गई है, एक भीषण हादसा हुआ है, तो इसमें परिजनों का क्या कुछ कहना है और जो लोग घायल अभी उनके परिजनों का क्या कहना है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए प्रांशी, जो निकटतम उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है जो घायल हुए हैं उनको तत्काल जो है वहां पर भेजा जा रहा है। लगातार जैसे मैंने बताया कि अभी इस पर ज्यादा कुछ जो है स्पष्टीकरण हम लोग नहीं कह सकते कि क्योंकि अभी परिजन जो है सब यात्री थे और कहाँ से हैं ये लोग, अभी ये सारी जो चीजें हैं ये अभी पूछताछ के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जो मौके पे जो हम चीजें बता रहे हैं वो यही है कि एक बड़ी दुर्घटना जो है वो यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे हो चुकी है और लगभग जो है 22 लोग जो है इसमें अभी तक की मौत जो है वो बताई जा रही है बहरहाल, लेकिन इसमें कई लोग भी जो है वो घायल हुए हैं। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में जो है इनको ले जाया जा रहा है, लगातार प्रशासन की टीमें जो है वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है क्योंकि गहरी खाई है जो यहां पर ये गिरी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे है, 507 के गमता के पास का ये इलाका है और 2 पार्ट जो है वो बस के हो चुके हैं क्योंकि जब वो गिरी थी तो 2 पार्ट में जो है वो बस जो है वो दिखाई दे रही है और काफी गहरी खाई है प्रियांशी वहां पर। और ये जिस तरीके से ये दुर्घटना जो है देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं बेहद दुखद दुर्घटना है और इसमें लगातार जो है रेस्क्यू और बचाव एवं राहत कार्य की जो टीमें हैं वो लगातार काम। राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, आप इस खबर पर बने रहिए हमारे साथ। तो भीषण सड़क हादसे में एक 22 लोगों की मौत हो गई, एक भीषण सड़क हादसा हो गया जहाँ पे बस खाई में गिर गई। उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ है जहाँ पे बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, बाकी के लोग अभी घायल हैं। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, बाकी के लोग अभी घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। SP अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बस खाई में गिरने से एक भीषण सड़क हादसा हो गया उत्तरकाशी में जिसमें कुल 22 लोगों की मौत हो गई, बाकी के लोग अभी घायल हैं। हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिर गई जिससे 22 लोगों की मौत हो गई, बाकी के लोग अभी घायल हैं। SP अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है, पुलिस जांच में जुटी है।
हमारे संवाददाता हमारे ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बस में कुल 40 लोग थे, 22 की मौत हो गई, बाकी के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी हालत कैसी है अभी? बिल्कुल प्रियंशी, मैं बता दूं कि 22 लोगों की मौत जो है इस दुखद हादसे में जो है वो मौत हो चुकी है और कई लोग जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो घायल लोग की जो उपचार के लिए उत्तरकाशी के जो जिला अस्पताल है वहां पर जो है उनको भर्ती कराया जा रहा है और रेस्क्यू जो है वो अभी तक चल रहा है। अगर अभी क्योंकि अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इसके साथ साथ और भी बता दें प्रियंशी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि यात्रा जो है वो चल रही है, चारों धाम जो है वो खचाखच जो है यात्रियों से भरे हुए हैं। तो पंजीकरण से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो बस है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यमुना घाटी में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा के पास जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे है ये उत्तरकाशी जिले में जो पड़ता है और इसमें जो है कई लोग सवार थे, जिसमें लगभग कहा जाए कि लगभग 2-1.5 दर्जन के लगभग जो है। राजेश जी, आपका शुक्रिया। तो यमुनोत्री हाईवे पर ये भीषण हादसा हो गया जिसमें बस खाई में गिर गई और जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। बस में कुल 40 लोग सवार थे, बाकी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल रावत, बस में 40 लोग थे जिसमें से 22 लोगों की मौत हो गई, बस खाई में गिर गई जिससे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी कुछ ही समय की बात है, ये लोग जो है हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए आ रहे थे। चार धाम में लोग जो है यात्रा को निकले हुए थे और अभी कुछ ही देर जो पहले है उत्तरकाशी का जो डामटा कस्बा पड़ता है उसके समीप बिल्कुल रिखाव खड्ड पड़ता है और वहां पे जो है ये सड़क हादसा हुआ, काफी भीषण हादसा हुआ। ये जो है इसमें कम से कम 40 लोग जो है सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से कम से कम 28-30 के अभी की मरने की सूचना बता रहे हैं। और जो लोग जिन लोग चोटिल है उनको, कुछ लोगों को जिनको ज्यादा लगी उनको देहरादून रेफर कर दिया गया। जी अभी क्या कार्रवाई हुई है और बाकी के जो लोग हैं उनकी हालत कैसी है, सुरक्षित हैं वो? उनके परिजनों का क्या कुछ कहना, जिन लोगों की मौत हो गई उनके भी परिजनों का क्या कहना, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जो लोग अभी घायल हैं? जी जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं अभी भले प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें, बिल्कुल मौके के लिए जो है कुछ ही देर पहले रवाना हुआ था। भले अभी उन्होंने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी कर दिया, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना पूरा जो है उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोग जो है घायल अवस्था में थे। भले जो लोग डेड है उन लोगों को की जो डेड बॉडी है उनको भी सड़क पे निकाल रहे हैं, ये काम जो है बिल्कुल जारी है। प्रशासन भी अपनी जगह लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करें चार धाम जो रोड की बात करें है, जो हटपटपुर से लेकर अपना बड़कोट दुबट्टा बैंड पड़ता है वहां तक जो है रोड की हालत अभी कई सालों से जो जस के तस बनी हुई, कहीं ना कहीं आने वाले जो लोग हैं उन लोगों का धन्यवाद। तो उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, बस में कुल 40 लोग थे, बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, बाकियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो रही है। बस खाई में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, एसपी अर्पण यदुवंशी ने 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।